मैं क्या कह रहा हूँ, इसलिए यदि कोई न्यू जनरेशन होगी तो पता नहीं क्या समझ रही हो, तो पूरा समझाता हूँ पंडित जी। तो पर हमारे भगवान तो बड़े खराब हुए, कुछ देते ही नहीं। मैं एक बात कहता हूँ, कोई सुखी होने के लिए किसी सेठ के पास जाए और वो रोज तुम्हें चार रोटियां दे दे, दो कपड़े दे दे, ये अच्छा है? या तुमको एक गड़ा हुआ खजाना का नक्शा दे दे, तुम्हारे घर में ही तुम्हारा खजाना है, तुम्हारे घर में ही तुम्हारा खजाना है और तुम्हें मालूम नहीं है और तुम अनाधिकार से भीख मांग रहे हो, और उन्होंने एक नक्शा दे दिया कि बेटा तेरे अनंत सुख का खजाना ये नक्शा है, ये ले जा और इसके अनुसार चलता जा, तू खोदता जा और तुझे सारे निदान अपने घर में मिलेंगे, तू कभी भीख मांगने मत आना। बोलो कौन सा सेठ अच्छा है जो रोज तुझे रोटियां दे, भीख दे? वो अब सोच लो, सारे देवी देवता और हमारे देवता में कितना फर्क है। हमारे देवता दिव्य ध्वनि में वो नक्शा बताते हैं, दिव्य ध्वनि में वो नक्शा बताते हैं कि तू भगवान है, तुझे मेरी मदद की जरूरत नहीं है, मदद की जरूरत नहीं है। नियम साजी में शब्द आया है असहाय, अर्थ करूं? आपने असहाय का इतना गंदा अर्थ कर डाला, हेल्पलेस। हेल्पलेस नहीं, असहाय का ट्रांसलेशन क्या होगा? करो सर, ट्रांसलेशन करो, करो असहाय का अर्थ इंग्लिश में। हेल्पलेस गलत अर्थ है, नॉन नेसेसिटी ऑफ हेल्प। नहीं समझ में? मैं संधि विच्छेद करके समझाता हूं। समझो, आ माने नहीं, सहाय माने सहायता की, या माने योग्य, या प्रत्यय है इसमें। समझते हैं ग्रामर? इतनी तो समझते होंगे। दो होते हैं, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, दो होते हैं अंग्रेजी में, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। इसको उपसर्ग प्रत्यय कहते हैं हिंदी में, उपसर्ग प्रत्यय। पकड़ो जरा, तो इसमें तीन चीजें हैं, मूल धातु है, मूल मूल है, और एक प्रीफिक्स है, एक सफिक्स है, दो चीजें इसमें। तो इसमें क्या रहता है, यहां है सहाय और यहां लिखा है या, और यहां लिखा है आ। आ माने नहीं, सहाय माने हेल्प, या माने योग्य। तू सहायता के योग्य नहीं है क्योंकि तुझे सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, तू स्वयं भगवान बनने में समर्थ है, इसका नाम असहाय है। इसलिए हमारे भगवान ऐसे हाथ भी करते हैं, आई हेल्प यू। हमारे भगवान के दरवाजे पे नहीं लिखा मैं आई हेल्प यू, समझ में आया? मैं आई हेल्प यू, मैं मदद करूं? बिल्कुल नहीं, हमारे भगवान मदद नहीं करते हैं, बल्कि तुझे याद दिलाते हैं कि तुझे मदद की जरूरत नहीं है। शक्कर को मीठा करने के लिए हेल्पलेस, अर्थ करो, अर्थ करो, हेल्प की जरूरत नहीं है। 1 करोड़ के हीरे को अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए, बताने के लिए, रखने के लिए हेल्प की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आत्मा स्वयं वैल्यूएबल है, वो परमात्मा बनने में समर्थ है। इसलिए नवर्डी कैन ना कैन, ये तो अच्छा नहीं लगता, नेसेसिटी। नवर्डी कैन हेल्प ही, इसमें असल को असहाय का खराब क्यों हो गया? वो आपने ऐसी जगह पढ़ लिया उसको असहाय, बिचारी असहाय, कोई सहायता नहीं करता बिचारी की, अकेला स्ट्रगलिंग हो, मैंने इतना असहाय की हालत खराब कर दी बिचारी की। इतना प्यारा शब्द है असहाय, सहायता के योग्य नहीं है। एक बात पूछूं, आप लोगों में से कौन कौन को 1 रुपए किलो का गेहूं चाहिए? मैं बीपीएल में बनवा दूंगा, हाथ खड़ा करो। नहीं, मैं बनवा दूंगा, चिंता नहीं करो। चाहिए? कितना कमाते हो आप? सबसे पहले क्या पूछते, कितना कमाते हो? कि 10 करोड़। आई कांट हेल्प। क्यों? तुझे हेल्प की? अरे रे, तू परमेश्वर तत्व होकर, अनंत शक्तियों का पिंड होकर के, अनंत सामर्थ का पिंड होकर के भी, और तू भिखारी है, रोज को रोज हाथ जोड़ने चला आता है, एक भगवान दूसरे भगवान के सामने हाथ जोड़े हमको अच्छा नहीं लगता। ऐसी बात सुनकर हो सकता है कोई अखड़ू कह दे, तो ठीक है आज हम नहीं आएंगे, वेलकम, ल तेरे चरण में पूजू। लेकिन सुन, जंगल में चला जाना,
जंगल में चले जाना कपड़े उतार करके, तेरे पैर पूछेंगे। जब सन्न ध्यान से विश्व में अंतिम शरण ये है व्यवहार की, जो अंतिम शरण छोड़ता है उसके पास फिर और कोई शरण नहीं होती एक ध्रुव के सिवाय, एक शुद्धात्मा के सिवाय। लेकिन तू तो प्रमादी है, यहां आना तुझे कंटाला आता था और मेरे बाकी को तूने पकड़ लिया। पंडित जी ने कहा, हमें नहीं मालूम, पंडित जी ने कहा भगवान को अच्छा नहीं लगता कोई भगवान हमारे सामने आए, इसलिए मैं वहां नहीं जाता। तो फिर कहां जाता है अंतिम शरण छोड़ के, कहां जाता है आत्मा में? तो बीवी शरणम गच्छामि, टीवी शरणम गच्छामि, अरे चत्तारी शरणम पब्बजामि। वो तो तेरे को पहले ही जहर सिद्ध किया था, थोड़ी देर पहले क्या कहा, वो जहर है, कौन कहेगा कि तू वो जहर पी, अरे इधर आ इधर आ इधर आ, ये तेरा पद है, ये तेरा पद है। बहुत समझना पड़ेगा भैया, हमें तो अभी भी ऐसा लगता है कोई मोए के चंगुल में से निकल आओ, मोए के चंगुल में तुम्हें रुला रहा है। इसमें लिखा है समय सारजी में क्या लिखा है शब्द, प्रेत की भांति, प्रेत को क्या शब्द दिया ना, पिशाच, पिशाच, पिशाच की भांति बैल की तरह तुझे जोतता है। तू चाहे करके भी आत्मा में लीन नहीं हो पाता, सत्संगति नहीं कर पाता, भागता है उन भोगों की ओर, उल्टा नहीं समझना, डरना नहीं, किसी का नाम नहीं लेता, नहीं डरता हूं मैं। ए भैया ब्रह्मचर्य ले लो, पंडित जी बात तो सही है लेकिन मैं भावुकता में कोई निर्णय नहीं करना चाहता। बेटा शादी कर लो, यस। देखो कभी उसे एक बार भी नहीं लगता कि मैं भावुकता में निर्णय नहीं करूंगा। बेटा आजकल के सब लोग तो सड़क पर खा रहे, रात को खा रहे सारे जैन, हाँ ला ला, एक बार भी नहीं लगता कि मैं भावुकता में कहीं गलती तो नहीं कर रहा, मैं तपास करूं, जिनवाणी पढ़ूं, कोई से पूछूं, कोई बातचीत है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, कि अपने को क्या मिलने वाला है, शरीर तो राख का ढेर है, मरेंगे राख हो जाएगी एक सेकंड में, कहीं आत्मा का अहित तो नहीं हो जाएगा रात्रि भोजन में, एक बार नहीं पूछता। और जाना कहो बेटा क्या अमृत पियो, 10 साल से सोच रहा हूं पियूं कि नहीं पियूं, भावुकता नहीं हो जाए, कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, ये मोह का चिन्ह है। पाप करने के लिए मैंने कल एक बात कही थी वहां पर, जिंदगी में पहली बार वो बात कही थी वहां बच्चों के बीच में। एक समय था जब लोग परोपकार करने के लिए कुछ भी सह सकते थे, आज पाप करने के लिए कुछ भी सह सकते हैं, कुछ भी माने 84 लाख की पीड़ा भोग सकता है। एक जमाना था परोपकार करने के लिए, ऐसी स्टोरियां हैं एक नहीं लॉट ऑफ। हिंदुओं में गुप्त मंत्र होते हैं कुछ, बीज मंत्र, गुप्त मंत्र। तो एक गुरु ने अपने शिष्य पर प्रसन्न होकर एक मंत्र दिया उसे कि बेटा तुझे कभी दुख संकट नहीं होंगे, तू ये मंत्र का जाप कर, लेकिन एक बात है इस मंत्र को कभी किसी को बताना नहीं। वो शिष्य तत्काल बाहर गया और झोपड़ी, उस समय झोपड़ी होती थी, झोपड़ी बिल्डिंग तो होती नहीं, झोपड़ी के ऊपर चढ़ करके जोर जोर से बोला वो मंत्र, समझ लो कि ओम रीम अरहम असिया उषा नमा, ओम रीम अरहम असिया उषा नमा, सब लोग इसे जपो। तो गुरु फौरन बाहर आए, नाराज हो गए, तू मेरा कैसा शिष्य है, आज्ञा नहीं मानते कि साहब मैं नरक जाने तैयार हूं, लेकिन यदि सब सुखी हो सकते हैं तो मैं मंत्र छिपाऊंगा नहीं। स्टोरी है हिंदुओं में, यदि इस मंत्र को जपने से सब सुखी हो सकते हैं तो आपकी आज्ञा भंग करके मुझे नरक जाने में कोई तकलीफ नहीं, सब सुखी हो जाए। स्टोरी है पहले परोपकार करने के लिए भी सब सह सकते थे, आज तो क्या कहें, कोई कुछ चक्कर में, मैं जितनी बातें रोज कहता हूं आप समझ गए होंगे, मेरे नेचर में कुशील सबसे गंदा काम, मुझे ब्रह्मचारी भाई बहनों का मोबाइल फोन बातचीत, मोबाइल फोन पे उपदेश, धर्मोपदेश, आहा दिव्य ध्वनि, बारे वाह, मेरे को नफरत नफरत नफरत, जहर जैसी नफरत, मेरे हर प्रयोजन में वो एक चपट तो आती है उस पर, चाहे वो सड़क हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे बच्ची हो। क्या कहूं आपको, क्या कहें, क्या
अरे वहां भावुकता नहीं लगती, और अमृत पिलाते हैं तो कहते सोचूंगा, क्या गजब है ये मोह की अद्भुत महिमा है। तेरा परमेश्वर तुझे बता रहे हैं, तेरे में भगवान बनने की शक्ति बता रहे हैं, तुझे किसी की जरूरत तक नहीं पड़े, इतना इजी मार्ग बता रहे हैं, नॉट हेल्प की जरूरत ही नहीं पड़े हैं। कभी किसी ने कहा भैया थोड़ी मदद करो मैं भी भगवान बन जाऊं, जरूरत ही नहीं है। तू सचमुच इतना समर्थ है कि तू सारे दुख संकटों को पार कर जाए, तू सारे उपसर्व परिसर को मुस्कुराते हुए जीत जाए, तू पारसनाथ है। तू कमट की ओर मत देख। अभी अभी सच्ची बताऊं, दीक्षा लेना है तो दीक्षा लेते से कमट दिखता है सबसे पहले। भैया हम दीक्षा तो ले लेंगे लेकिन कोई पत्थर मारेगा फिर, और फिर आग लगाएगा तो, और तीर चलाएगा तो, और गालियां देगा तो, अरे तू नपुंसक नहीं है, तू भगवान है। तू इन सारे दुखों को मुस्कुराते हुए जी सकता है, इसका नाम प्रसाद। आगे समझ में आया? समझना भैया, कैसे मैंने सोचा नहीं था इतना पढ़ा हुआ, मैं तो आगे बढ़ने वाला था। प्रसाद से उत्पन्न होने योग्य, ये मोक्ष कैसे हो? ये उत्पन्न होने योग्य है प्रसाद से। जिन्हें जिन्हें देव की महिमा नहीं आती हो, देवसास गुरु की महिमा नहीं आती हो, उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। लिखा है प्रसाद, पहला पॉइंट लिखा मोक्ष का, मोक्ष का पहला पॉइंट सर्व पुरुषार्थों में सारभूत मोक्ष। उसको कैसा है वो? पंच परमेष्टियों के प्रसाद से उत्पन्न होने योग्य है। होने योग्य है, करने योग्य नहीं, कर्तृत्व निषेध हो गया, होने योग्य है। मोह मिटाने नहीं है, मोह मिटाना नहीं है, मोह मिटने योग्य है। क्या कहा? मोह मिटने योग्य है। एक खोटा दृष्टांत है, खोटा है थोड़ा दृष्टांत, इतना गंदा है कहने में भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने सुना पड़ा है इसलिए मैं कहता हूं हिम्मत करके, कि एक लड़का था और किसी लड़की को चाहता था, तो उसने कहा कि रात को 10 बजे खेत में आना। तो कैसे मालूम पड़ेगी तुम आ गए? तो बोले मैं लालटेन लेकर के इशारा करूंगा। उस जमाने का दृष्टांत है, पुराने जमाने का, लालटेन लेकर के इशारा करूंगा। तो लड़का रात को 10 बजे उस जगह पर पहुंचने के लिए घर से निकला, घर से निकला तो उसकी माँ को जब दरवाजा खुला ना थोड़ी आवाज हुई, तो माँ को ऐसा लगा कि बच्चा को क्या तकलीफ है, कहीं जा रहा है, क्या बात है, कोई तकलीफ तो नहीं? तो माँ भी पीछे पीछे आ गई, तो हाथ में लालटेन लेकर आई। तो लालटेन लेकर आई तो उसके बीच का जो पिक्चर है वो देखने लायक है, कि अब वो लड़का वो लालटेन को देख देख के खुश हो रहा है, ऐसी बातें करूंगा, ऐसे स्पर्श करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, और जैसे ही पास आई ना जहां वो सुन सकती थी, तो उसने जो भी उच्चारण किया होगा कुछ ना कुछ तो बोला होगा, जो भी बोला होगा, तो अंधेरे में तो मां दिख नहीं रही थी, तो जैसे ही बोल रहा था तो वो तो पूरी तरह से वासना में ग्रसित था, और जैसे ही उसने कुछ उच्चारण किया उसे पुकारने के लिए प्रेमिका को, तो बोली बेटा बोलो, इतना ही शब्द सुनते से ही उसका काम वासना नाश हो गई कि नाश करना पड़ेगी अब? बोलो। ऐसे ही शुद्धात्मा का निर्णय करते ही मोह नष्ट हो जाता है। आत्मा का निर्णय करने के ओ ऐसा मैं समर्थ प्रभु, आज आपको मैं इसलिए नमस्कार कर रहा हूं कि आज से मुझे आपके और लक्ष्य करने की भी जरूरत नहीं है। अभी तक मैं सोचता था शायद आप हेल्प करोगे, लेकिन आज तो मुझे मालूम पड़ गया कि मुझे हेल्प की, हाँ, इसका नाम प्रसाद। क्या कमाल है, कैसा निश्चय व्यवहार का सुमेल है, भगवान तो पंच परमेष्टि के प्रसाद से। अरे समझ आ रहा है? कैसे पढ़ो ये जिनवाणी, कैसे पढ़ो? इसलिए सत्संग में समझ में आता है। स्वामी जी एक बात कहते थे, शास्त्रों में शब्द है
और शब्दों का मर्म ज्ञानियों के हृदय में। ग्रंथों में शब्द है, मर्म नहीं है। और इसलिए जो ग्रुपिंग होती है ना, ग्रुपिंग, शास्त्रों को लेकर झगड़ा, शब्दों को लेकर झगड़ा, वो इधर का अर्थ कर रहा है, वो उधर का अर्थ कर रहा है, वो कह रहा मेरा सच्चा, वो कह रहा मेरा सच्चा। अरे सच्चे में विवाद कैसे हो सकता है, सच्चे में क्लेश कैसे हो सकता है? अरे साहब सच्ची बात कोई सुनना ही नहीं चाहता, झूठी बात, तेरे पास मर्म नहीं है इसलिए तू सच्चे तरीके से नहीं सुनाता। मैं नहीं समझता हूं, आप मुझे इसे लेकर के नहीं, आप मुझे मुसलमानों के बीच में बिठा दो, मैं गारंटी से कह रहा हूं, शब्द बदल सकते हैं लेकिन मर्म नहीं बदलेगा। मैंने मुसलमानों की सभा में भी चर्चा किया, मैंने कॉलेज में भी चार अभाव पढ़ाए, पढ़ाया मैंने। अरे भगवान की यूनिवर्सल लैंग्वेज दिव्य ध्वनि सर्व जीवों के लिए है, और हम अपने चार साधर्मी संग नहीं बैठ पा रहे आज, क्यों नहीं बैठ पा रहे? मोह अनुशासन नहीं चाहता, मोह टोकना नहीं चाहता। तो मोहाविष्ट ज्ञान कहता है दूर रहो तो ही अच्छे, अपन तो अकेले में आनंद करेंगे, अकेले में पढ़ेंगे, और अपने दो चार फॉलोअर मिल जाएंगे और उनमें एक लड़की मिल जाए फिर तो पूछने का, ऐसे पापी भी बहुत है। मैं तो बहुत पापी शब्द कहता हूं, ये सारे पुरुषों का सर्टिफिकेट एक तरफ, एक महिला का सर्टिफिकेट एक तरफ। यदि एक महिला प्रशंसा करते पंडित जी आपने प्रवचन में कमाल कर दिया, आप तो तारणहार हो, बस अब उसे पिक्चर फीड हो गई, उन्हें ध्रुवात्मा फीड हुआ, इसको महिला फीड हो गई, पाप है पाप कुशील है भाई, बिल्कुल नहीं। मेरे से बहुत कड़क भाषा बोलता हूं, कोई संसार सागर मैंने मेरे सामने कोई महिला कुएं में कूद कर भी मर रही हो तो मैं नहीं देखूंगा, इतना कड़क शब्द है मेरे पास, सील की इतनी कड़क मर्यादा पालन करो। फिर देखो अब मुझे बताओ इसमें क्या विरोध हो सकता है किसी को, जो मैं अर्थ कर रहा हूं क्या विरोध हो सकता है इसमें? प्रसाद में मैं ये भी कह रहा हूं ध्रुव पर्याय की विवेक बता रहा हूं, लिखा है ना भगवंत पंच परमेश्वरी के प्रसाद से उत्पन्न होने योग्य नहीं होगा इसके बिना, करने योग्य नहीं कह रहे, होने योग्य कह रहे। दूध में शक्कर डालना है तो दूध में मीठा करने योग्य कि होने योग्य? होने योग्य, दूध मीठा हो इसमें आश्चर्य क्या है? ऐसे तू एक बार स्वाध्याय करके आत्मा का निर्णय कर ले, द्रव्य पर्याय की स्वतंत्रता समझ ले, जैसे वो लड़का सुनते से बेटा बेटा क्या बात है कोई तकलीफ, इतना सुनते से काम वासना का आश्रय बंद भाग गया एकदम, मां तुम कैसी आई, बेटा तू आया इतनी रात को इसलिए मैं आ गई, क्या क्या बात है कोई तकलीफ, चलो मां चलो घर चलते हैं। सही बात है, मां मिले तो घर ही आओगे, जिनवाणी मां मिले तो मोक्ष में ही आओगे। अब उसने इंतजार नहीं किया, मां तुम चलो, मां तुम चलो मैं जुगाड़ लगा के आता हूं। अरे जिनवाणी माता जिसके हाथ में हो वो भटक नहीं सकता। ज्ञानियों का मर्म स्पर्शी वाणी यदि तूने सुनी हो तो तू नहीं भटक सकता, लेकिन मोह तुझे भटकाता है। क्या सुनना कोई की कोई बात, द्रगुण पर्याय भगवान आत्मा अकर्ता है, ज्ञाता दृष्टा है, एक परमाणु दूसरे परमाणु का करता नहीं, इतने रफ नेचर से सोचने वाले को सम्यक दर्शन नहीं होता। तुझे अहंकार हो गया, हम सब समझते, कुछ नहीं समझता, 11-9 पूर्व के पार्टी को कुछ नहीं हुआ, तू पूरी द्रव्यानियों पढ़ ले तो कुछ नहीं होने वाला, रट ले तो नहीं होने वाला, जब तक तेरा युगल जी बाबूजी के शब्दों में कहें तो तेरा चित्त इतना भीगा हुआ होना चाहिए, जितना अमृतचंद स्वामी का है इतना भीगा हुआ होना चाहिए। जब क्षोभसम नहीं था ना, नया नया जीव होता था, इतना पोलाइट होता है, इतना नम्र होता है, क्या कर डालू इनके लिए, और थोड़ा पढ़ लेता था ऐसे बैठो ठीक है समझिए आगे बढ़ो, ऐसा दो मिला के लगभग इतना रब। इसका मतलब तुझे रत्नत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तुझे मोह है मोह। क्यों? दृष्टांत देकर के कहा है, दृष्टांत देकर के, जिनको रत्नत्र की प्राप्ति होती है वे भीगते चले जाते हैं। कंबल का दृष्टांत दिया ना, कामली कामली क्या कहते हैं, कामरी कामरी कामड़ा है ना, हाँ जैसे जैसे भीगती है वैसी वैसी भारी होकर नीचे चली जाती है। कपड़ा है ना, पानी में डाल दो बकेट में बाल्टी में, भीगते भीगते नीचे चला जाता है। तो
तेरा उपयोग अंदर में जाए तो बाहर में ऐसा नहीं हो पाते। हे परद्रव को नमस्कार क्यों करूं, भगवान परद्रव है। ओ हो भाग भाग। तस्य देशना नास्ति, अमृतचंद स्वामी कहते तस्य देशना नास्ति, तू देशना के काबिल नहीं है, जा। दृष्टांत दिया है, वृक्षों पर जब तक आम नहीं आते तब तक वृक्षों की डालियां ऐसे होती है, जैसे जैसे आम आते हैं डालियां ऐसे हो जाती है। जो लोग ऐसा कहते हैं ना, हमें प्रवचन करने का भाव नहीं आता, मैंने अच्छा है मत कर, पहले तू सम्यक दर्शन कर फिर करना। क्या तू अब तू क्या सोच रहा, आई एम स्पेशल, प्रवचन करने का भाव नहीं आता, वो तो विकल्प है, आश्रम है, ये है, दुखकार है। अरे ऐसा होता तो तेरहवें गुणस्थान में भगवान की देवी बनी नहीं खिलती और छठे सातवें गुणस्थान भरती ग्रंथ ना लिखते, तू उनसे बड़ा नहीं हो गया है, ये तेरा रफनेस है, रफनेस ये तेरी जड़ता है, तू कुछ पढ़ गया ना, थोड़ा सा चिंतन कर लेता बैठ करके, तू मोह के गहरे चंगुल में फंसा, ये कह रहा हूं। वृक्ष पर जब तक आम नहीं आते ऊपर रहते, क्योंकि अभी हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, जब आम आ जाते हैं तो नीचे झुक जाते हैं, लो भाइयों भूखे मत रहो, प्यासे मत रहो, खाओ, लो आम लो आम लो। ऐसे जिनके पास रत्नत्रय होता है रत्न की वर्षा करते हैं, विसम्यक दर्शन ज्ञान चारित के निमित्त बनकर के सारे विश्व को निहाल कर देते हैं, सबको अमृत बरसा कर संतुष्ट होते, हे तुम तो व्यवहार की खेच करते। अरे राजा तेरे को निश्चय का ठिकाना नहीं है, निश्चय की श्रेणों का नाम व्यवहार है, बिना व्यवहार के निश्चय नहीं होता। क्या कह रहे है? बिना व्यवहार के निश्चय नहीं होता, और निश्चय व्यवहार का उच्छेदक नहीं होता है, तिरोभूत करता है। फर्क पड़ा कुछ समझ? तिरोभूत करता है, उच्छेदक नहीं होता। हमको तो क्या लगता है पूजा पाठ नहीं करेंगे तो बड़ा पुरुषार्थ, और कोई पूज की पूजा नहीं करते, विकल्प ही नहीं आता। चेक करा चेक, कोमा में है तू, कोमा समझते, कोमा कौन नहीं समझते, एक बीमारी नहीं होती कोमा, उसमें श्वास तो चलती है लेकिन होश नहीं रहता बेचारे, बहुत समझना भैया। क्या कितनी सुंदर बात लिखी है, भगवंत पंच परमेश के प्रसाद से। भैया देखो अपने को तो निश्चय की बात में भी उतना ही रस पीते हैं, और व्यवहार के एक एक शब्द का भी रस पीते हैं। अरे अमृतचंद स्वामी को पढ़ पढ़कर इतना आनंद आ रहा है कि एक शब्द में, प्रभु आप होते तो आपके चरणों में लोटपोट हो जाते हैं। निज देह चर्म की चादर, चादर काहे की बनाए, गुरुदेव के चरण बिछाऊं, ऋण किंचित कम ना होगा, उपकार में कैसे सुनाऊं। भगवान आचार्य कुनकुन की महिमा, स्वामी जी कहते थे यदि आचार्य अमृतचंद स्वामी नहीं होते तो शायद आचार्य कुनकुन स्वामी लोप हो जाते, यदि अमृतचंद स्वामी ने कुनकुन आचार्य के पेट में जाकर इतना अर्थ नहीं निकाला होता टीका करके, तो शायद हम लोगों का भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता, ग्रंथ तो होता लेकिन हम पढ़ते ही नहीं, समझते ही नहीं। आज तक विश्व में जितने लोगों को समय सार जी समझ में आया है वो अमृतचंद देव की कृपा है, प्रणाम करने लायक है, सशस्त्र बंधन करने लायक। टाइम तो हो गया आपके बहुत जल्दी, मैंने मोक्ष का अर्थ करने बैठा था, सही बात है, प्रसाद का अर्थ हो गया, लेकिन थवा योग था इसे मैं क्या करूं। अभी आगे भी इसमें एक शब्द था प्रणमन, प्रकृष्ट नमन, उसका कल इशारा किया थोड़ा सा, बंधन, अब बंधन का अर्थ करते थोड़ा सा दो मिनट कर देता हूं, कर दूं बंधन, बंधन शब्द है ना, देखो बंधन का मतलब अपन झुकना समझते हैं, पर यहां बंधन का मतलब है मुख से उनकी कृतज्ञता के शब्द कहना। आप जो सामायिक के छह अंग है ना, सामायिक के छह अंग, वहां पर पढ़ना बंधन है, वहां पढ़ना बंधन का अर्थ मिल जाएगा आपको। ओहो जैसे मैं अभी ये जो कह रहा हूं ना भगवान के प्रति, अमृतचंद स्वामी के प्रति, ये बंधन है, और जब मैं ऐसे ढोक देता हूं ना ये प्रणाम है। अभी इतनी देर मैंने एक घंटा में 15-20 मिनट जितना भी मेरे को अमृतचंद स्वामी की महिमा आई,
ये बंधन किया मैंने। लोग क्या करते हैं, मैं उसको कह करके बात पूरी करूंगा, लोग क्या करते हैं, हमारे हृदय में है, मुंह से नहीं कहते तो क्या होगा, हमारे हृदय में है। अच्छा, ऐसा लोग में होता है, लोग में ऐसा होता है कि खोटा दृष्टांत है कि लड़के को लड़की अच्छी लगे और मुंह से कुछ नहीं कहता। तुम्हें दुनिया में कोई चीज अच्छी लगे और मुंह से कुछ नहीं कहती, तुम्हारा मनपसंद भोजन आते से मजा आ गया, आनंद आ गया, आज तक तुमने बहुत बढ़िया, नहीं बोलते। और तू सांस पढ़ के तुझे भगवान के प्रति कुछ नहीं लगता, तेरो अनंत उपकार प्रभु जी, तेरो अनंत उपकार, ये नहीं मुंह से नहीं आएगा। कोई भिखारी को करोड़ रुपया दे दे कुछ नहीं कहेगा। मैं अभी भी आपसे कुछ कह रहा हूं, नींद तो नहीं आ रही, कहूं बोलूं क्या? कभी तुम भगवान से डायरेक्ट बात करो, यदि तुम्हें लगता है कि हम पर उपकार हुआ है तो। किताब बीच में आ जाती है, देख देख के पढ़ते हो, एक किसी और की स्टोरी कह रहे हो आप, अपनी नहीं कह रहे। फर्क समझ में है कुछ कहा? क्या कहें, जब अच्छा लगता है ना ताजमहल, किसी के पास बीच में डायरी नहीं होती, हाँ 18वीं सदी में बना, 16वीं जिस में बना, मतलब है। कोई मैं ताजमहल पे प्रवचन थोड़ी कर रहा हूं, ऐसे देख देख के इतना लाख खर्चा हुआ, आहा ऐसे देखते से मार्वलस, यूनिक। गधे से गधा, गधा माने अनपढ़, वो भी बोलो रसगुल्ला खाते समय आपको कुछ किताब देख देख के बोल, अच्छा इसका नाम रसगुल्ला, ओहो इसमें शक्कर है, आहा ऐसे करने पड़े। हमें बड़ा दुख लगता है जब हम बीच में किताब ले ली और भगवान को देखने तक की फुर्सत नहीं मिलती, स्वाहा स्वाहा, कितने पेज हो रहे थे। कभी ओरिजिनल बंधन करो, एक ही नाम है। देखो मैंने आपसे इसलिए कहा कि आप कर रहे हो, इसलिए कहता हूं एक बार भगवान को निहार के देखो तो सही, जैसे फोटो देखते से अपना बच्चा दिखता है, ऐसे भगवान को देख करके असली महावीर दिखाई दे, असली आचार्य अमरचंद स्वामी दिखाई दे, कौन कौन स्वामी दिखाई दे, जैसे बच्चे के विरह में आंखों में आंसू आ जाते हैं, ऐसे इन भगवंतों के विरह में एक बार आंसू आ जाए। अरे प्रभु आप होते क्या कहेंगे प्रभु, आज आपका वीरह है। अब ये नाटक नहीं करना, मैंने एक बार ऐसी बात कही तो एक महिला ऐसे करने लगी, ऐसे सच्ची घटना है, ऐसे लगे तेरो अनंत उपकार, आहा। फिर मुझे प्रवचन में कहना पड़ा ड्रामा मत करो, ये तो नेचुरल बात है, नेचुरल आएगी आपको, आएगी तो आएगी, अब हम क्या करें, आएगी तो आएगी, और नहीं आए तो कम से कम आज पता तो लगा कि अभी हमारे बंधन में दम नहीं आई, ठीक है। टोडरमल जी साहब कहते हैं इतना किया तो शाबाश, माने आप लोगों ने इतना किया, टोडरमल जी खड़े होते तो कहते शाबाश इतना किया तो शाबाश, परंतु असली बंधन तो हुआ नहीं। अरे तू गुणेश प्रमोदम, कोई को अच्छा दिखे थे, जरा बोल दे मुझसे, बोल देने। कल हमको बोले ओ, हम आपको अपनी लेव दिखाना चाह रहे, नहीं जरूर देखेंगे, कोई बात नहीं, 5 मिनट लगेंगे कोई बात नहीं, भले हम समझते कुछ नहीं उसमें, और आया मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है उसमें, मेरा इंटरेस्ट का विषय तो उतना सही है, फिर भी मैं देखूंगा जरूर, क्योंकि आप जो 50 साल से इतनी मेहनत कर रहे हो, आप जान लगा रहे हो, अरे आपने अपना पूरा जीवन इसमें लगा दिया, मुझे अप्रिशिएट करने में क्या दिक्कत है, चलो मैं 2 मिनट देखूंगा, देख लेंगे हमारा क्या जाता है, आप सब इतना कर रहे हो हमें अप्रिशिएट करने में क्या दिक्कत है, लेकिन ठपका भी देंगे, परंतु काम तो इधर होगा भाई, बंधन अभी नहीं हुआ, नहीं हुआ बंधन, नहीं हुआ। मैं तो ये देखता हूं आप मुझे देखते से कितने प्रसन्न हो जाते हो, मुझे देखते से आपके मुख से कुछ निकलने लगता है, कुछ ना कुछ कहते हो, कल्पना तो करो जब भगवंत सामने दिखाई देंगे। एक बात कहकर पूरी करता हूं, करना नहीं हो,
करणानियोग शीतल भाई, जिन्हें भगवान को देख करके उल्लास नहीं आता उन्हें समोसरण नहीं मिलेगा। जिन्हें देव गुरु धर्म देख करके उल्लास नहीं आता उन्हें समोसरण नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल दें तो समझ में आ जाए, करणानियोग की बात है, मेरी आदत है सरल भाषा में कहने की। एक लड़की को पापा ने कहा कि बेटा ये लड़के का फोटो है, उसने देख के ऐसे डाल दिया, इसका मतलब ही उसे पसंद नहीं आया। यदि पसंद आया होता तो फोटो देखते सी पापा से मुंह से कुछ नहीं कह पाएगी वो, लेकिन पापा जब भी उसके कमरे में जाते थे वो फोटो बड़े संभाल के रखा था, कभी भी जमीन पर नहीं पड़ा, उड़ा नहीं, बड़े संभाल के रखा था। पिताजी समझ गए, उत्तर मिल गया, उत्तर मिल गया। चौथे काल की लड़की अपने मुंह से नहीं कहती कि पापा ये लड़का अच्छा है, चौथे काल की लड़की नहीं कहती, समझ गई सारे। ऐसे ही तुम्हें अभी भगवान मिले, असली भगवान तो नहीं मिले, भगवान की प्रतिमा मिली, प्रतिमा देख करके आप प्रसन्न हो गए, करणानियोग संतुष्ट हो गया, तथास्तु आपको असली महावीर मिलेंगे, असली समोसरण मिलेगा, तुम आत्म कल्याण करके भगवान बनोगे, प्रसन्न हो जाओ। प्रसाद ओम नमः शिवाय। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वज्जायानं नमो लोये समसा। उत्तम क्षमा दयाजवे सत्य शौच संयम तप त्याग उपाय आकिंचन ब्रह्मचर्य धरम दस सारे चंगति दुख ते काड़ी मुक्ति करता रे। चार खसायों का क्रम आगे पीछे नहीं किया जा सकता, चार कसायों में से क्रोध पहले क्यों कही, क्योंकि इसकी असंख्यात फ्रिक्वेंसी हो तब एक बार मान आता है, असंख्यात बार फ्रिक्वेंसी समझते हैं, असंख्यात बार हो जाए ना क्रोध तो फिर मान आता है, फिर मान असंख्यात हो जाए तब एक बार माया आती है, फिर असंख्यात माया निकल जाए तो एक बार लोभ आता है, ऐसा है। क्रोध सबसे ज्यादा है, जब क्रोध नहीं रहा तो निर्विमानता की वैल्यू है। कोई कहे मेरे को बिल्कुल अहंकार नहीं लगे, वो क्रोध करे तो कोई वैल्यू नहीं, इसका मतलब क्रोध भयानक चीज है। सब पढ़ना इसमें प्रकरण रणगढ़ साहब का चार्ज में, जल्दी उठा उसको जिसका भी हो बंद कर नीचे रख दो, जी है ठीक है जो भी हो देख ले, हाँ कोई बात समझो जरा क्या बोल रहा था, चार कसाय है ना, तो क्रोध क्रोध ऐसा अंधा होता है, अंधा होता है ना क्रोध, अंधा उन्नति नहीं कर सकता, अंधा चल नहीं सकता, अंधा किसी कार्य में सफल नहीं होता। ऐसे ही विवेक जहां समाप्त हो जाए इसका नाम क्रोध है, क्रोध में विवेक नहीं रहता, स्वपर का होश नहीं होता, क्रोध के होने पर किसी प्रकार का धर्म नहीं होता, मन क्रोध की भयानकता है, इस सबसे ज्यादा इसकी फ्रिक्वेंसी होती है।
ऐसा कहकर के थोड़े कर्णानु की सूक्ष्म बात है, मैं ये नहीं कहता हूं इसे आप यदि क्रोध मानते हो तो फिर बहुत ही गलत फहमी में हो। झाड़ है ना झाड़, इसको कितनी फ्रिक्वेंसी आती होगी क्रोध की, एक इंद्री को क्रोध की कितनी फ्रिक्वेंसी आती होगी आप कल्पना कर सकते हो। अब मान माए लोग की क्या स्थिति होती होगी उसकी, लेकिन क्रोध की भयंकरता है, क्रोध की भयंकरता है, छोटी मोटी बात नहीं है। हा हा हा, क्रोध का अभाव होने पर निराभिमानता, निराभिमानता के होने पर ही उत्तम मार्दव आर्जव सरलता, मान मानी जी को सरलता नहीं हो सकती। क्रोध का अभाव हुए बिना मान का अभाव नहीं हो सकता, मान का अभाव हुए बिना माया का अभाव नहीं हो सकता, सरलता नहीं आ सकती। और जब तक ये तीन नहीं मिटे तब तक सुचिता नहीं आती, इसलिए आज उत्तम सोच का दिन है। तीन का अभाव करने वाले के जीवन में चौथी सोच होगा ही, उत्तम सोच, उत्तम माने पवित्र, उत्तम माने विश्व की सबसे ऊंची पवित्रता, उत्तम उत्तिष्ठ उत, समझ में उत कैसे बना, उत्तम कैसे बना, उत्तम तम से ऊपर उठो, अंधकार से ऊपर उठो, उत्तम उत्तम।